गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है इस ब्लॉग के लिए और आज हम लोग जा रहे हैं पांडुखोली, जो पड़ता है दौराहाट के पास। तो हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे और दिखाएंगे और बताएंगे उसके बारे में, तो मिलते हैं वहीं पे। पांडुखोली पहुँचने से पहले हम कुछ देर रुके हैं कहीं पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो जगह, एक्सप्लोर कराना चाहूँगा जहाँ पर पूरा बादल आए हुए हैं पूरे सर के पीछे, आप देख सकते हैं। तो विजय भैया खड़े हैं यहाँ पे, खड़े हैं करण भैया, मोहित भाई, और उधर हमारे मनोज भाई, अलग ही फोटोशूट चल रहा है उनका। तो मेरे पीछे देख सकते हैं अंधेरा सा आ रहा है, ये व्यूज देख सकते हैं, पूरा बादल पूरे आ चुके हैं फोटो तो जमीन पे। मैं कोई बार फिर से पीछे दिखाता हूँ, आप पूरा देख सकते हैं। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पांडुखोली हम लोग जा रहे हैं, पर पांडुखोली पहुँचने से पहले हम एक जगह पर रुके हैं जो दुनागिरी से शायद 3 या 4 किलोमीटर आगे होगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे का वेदर बहुत ही क्लाउडी हो चुका है और चारों तरफ कोहरा पड़ चुका है। तो हम धीरे धीरे निकल रहे हैं मंदिर की तरफ। तो आगे मेरे दोस्त खड़े हैं जो मुझे आवाज़ दे रहे हैं और एक तो कुछ बोल भी रहा है, यहाँ से सुनाई नहीं दे रहा। तो चलो चलते हैं मंदिर की तरफ और मिलते हैं मंदिर के पास, जो है पांडुखोली का रास्ता। तो दिखाएंगे और बताएंगे उसके बारे में, तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं पांडुखोली, जहाँ से हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है और हम अब निकल रहे हैं पांडुखोली की तरफ। तो हाँ, चलो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बताया जाता है कि महाभारत के बाद पांडव यहीं आए थे और यहीं से स्वर्ग की तरफ गए थे। तो हम लोग तो सिर्फ वहीं तक जा रहे हैं जहाँ तक हमें लगता है कि वो लोग रहे थे या रुके थे, और आगे मुझे नहीं पता। तो मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे पांडुखोली, एक्चुअली पांडुखोली जहाँ पे है और पांडव जहाँ रुके थे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से हमें 3 या 4 किलोमीटर जाना है। अब आपको आपको पीछे दिखा दो, अगर आपको ये पहाड़ी दिख रही है पीछे, तो यहीं हमें जाना है। तो निकलते हैं धीरे धीरे करके, हम लोग मेरे साथ में सभी लोग आगे निकल गए हैं। तो करते हैं यात्रा को शुरू, फिर ऊपर जाके बता दिखाता हूँ आपको और बताता हूँ कैसा है पांडुखोली। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पांडुखोली के ट्रैक के पास, जो 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है, हमें यहाँ से ऊपर जाना है। जो बताया जाता है कि महाभारत के बाद जब पांडव यहाँ आए थे तो यहीं से स्वर्ग की तरफ गए थे, तो हमें वहीं जाना है 3 से 4 किलोमीटर चल के। तो अभी वो नहीं आई वो जगह, ऊपर चढ़ते हैं और दिखाता हूँ आपको वो जगह। तो अभी हम पहुँचे हैं पांडुखोली के आधे रास्ते पे। अभी यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर का और का ट्रैक होगा, तो ट्रैक अभी हम चल रहे हैं। तो मेरे साथ मेरे और भी भाई लोग हैं, अगर मैं आपको पीछे दिखाऊँ तो आपको ऐसा रास्ता मिलेगा जो पत्थरों से ही बना है। काफ़ी पुराना पांडुखोली का जो मंदिर बनाया जाता है, यह है महाभारत के बाद का, जब यहाँ पांडव लोग आए थे। और चलिए मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर गेट के पास ले जाऊंगा। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं पांडुखोली स्वर्ग नगरी। तो चलते हैं आगे जहाँ से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार मंदिर का दरवाज़ा जो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब तो जब महाभारत के बाद बताया जाता है कि पांडव यहीं आए थे और यहाँ कुछ दिन रहने के बाद यहीं से स्वर्ग की तरफ गए थे। तो मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्योंकि मेरे दोस्त आगे निकल गए हैं। 3 से 4 किलोमीटर का ये ट्रैक है। और मैं आपको ये बता दूँ, दौराहाट से आप अगर दुनागिरी आएंगे, दुनागिरी से 7 से 8 किलोमीटर आगे पांडुखोली पड़ता है। और ये जगह काफ़ी अल्टीमेट है, काफ़ी अच्छा है, पीसफुल है, काफ़ी सुंदर है और सुकून है, शांति है। यहाँ आप आ सकते हैं, 3 से 4 किलोमीटर का आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक करने के बाद आप पहुँचोगे ऐसी जगह पर, एक्चुअल में स्वर्ग से ज़्यादा बढ़कर है ये जगह। तो थोड़ा सा चढ़ाई में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि रास्ता अभी पूरी तरह बना नहीं है, पर अच्छा रास्ता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के चलते हैं आगे। और अब हम पहुंचे हैं वहां मेन दरवाजे के पास। तो आपको दिखाता हूं एक बार फिर से, हमारे दोस्त मोहित, मनोज भाई जो मेरे पीछे, मैं आपको दिखाता हूं कि पीछे ये हम इसका रास्ता और यहाँ से ग्राउंड स्टार्ट होता है। सामने विजय भाई, मोहित भाई और विजय भाई भी हमारे, विजय भाई बोल रहे हैं कि मुझे दिखाओ एक बार। तो विजय भाई को मैं दिखाऊंगा जरूर एक बार उत्तराखंड देव। तो ये देखिए आप, ये है पांडुखोली स्वर्ग नगरी जहाँ पांडव आए थे और यहीं से स्वर्ग की तरफ गए थे। ये बताया जाता है महाभारत के बाद, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था उसके बाद पांडव यहीं आए थे। तो फिर से चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ता हूँ मैं आपको एक बार फिर से व्यू दिखाता हूँ। व्यू आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरा ग्राउंड है,
इस ग्राउंड को कहा जाता है या बताया जाता है कि यहाँ भीम हमें जब यहाँ आए थे यहीं सोते थे। ये काफी बड़ा ग्राउंड है और हम इसमें चलेंगे तो ऐसा लगता है किसी ने बेड का गद्दा यहाँ पे बिछाया होगा। काफी सॉफ्ट है तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ मंदिर के पास। तो मैं पहुँच चुका हूँ पांडवखोली मंदिर के पास और अभी मंदिर के अंदर तो हम जा नहीं सकते। मेरे पीछे आप 5 व्हाइट कलर के पत्थर देख रहे हैं, ये हैं 5 पांडव जो महाभारत के बाद यहाँ आए थे और यहीं से वो स्वर्ग की तरफ गए थे। बताया जाता है कि यहाँ से ही स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, अब वो तो नहीं पता किसी को कहाँ पे है, बट यही है कि यहाँ से वो लोग स्वर्ग की तरफ गए थे। मैं मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकता क्योंकि मंदिर के अंदर का वो वीडियो बनाने के लिए मुझे मना कर रहे हैं। तो मैं यही लोगों से चाहता हूँ कि लोग यहाँ आए, इस मंदिर पर आए और यहाँ का जो वातावरण है, एटमोसफियर है, उसको इन्जॉय करें और इन्जॉय करें साथ में एक्सप्लोर करें, यहाँ की चीज़ों को दिखाएं, लोगों तक पहुँचाएं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।